हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, सो हमने कल सॉल्व एग्जांपल्स पेज नंबर 24 का और थियरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वो थियरम किया था। लेट्स स्टार्ट नाउ विद प्रैक्टिस सेट 1.4। सो व्हाट हैज बीन गिवन इन प्रैक्टिस सेट 1.4, व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो of corresponding sides of similar triangles is 3:5। आपको बोला है corresponding sides of similar triangle क्या है, 3:5। then find the ratio of their areas। आपको उनके एरियाज़ के रेशियो ढूंढने हैं। तो जैसे कि अभी आपको यहाँ कोई ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, तो हम अज्यूम करेंगे लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल बी S1 एंड S2 हम लेंगे, एंड लेट द रेस्पेक्टिव एरियाज बी A1 एंड A2, एरिया 1 एंड एरिया 2। सो नाउ एज यू नो साइड 1:साइड 2 = 3:5 ये आपको दिया हुआ है, हाँ गिवन है। सो देयरफॉर S1 upon S2 = 3/5। This much is clear. The two triangles are similar. It has been given there. The two triangles are similar. इसको आप 1 दे दीजिए, ठीक है? So therefore, the two triangles are similar. Therefore, area 1 upon area 2 = side 1 square upon side 2 square. So we will write here theorems of एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है? इतना पार्ट क्लियर। सो देयरफॉर area 1 upon area 2 = side 1 upon side 2 द होल स्क्वायर। तो आप अभी यहां इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, A1 upon A2 = 3/5 द होल स्क्वायर। नाउ एज यू नो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3, इट इज 9 एंड स्क्वायर ऑफ 5 = 25। यहाँ आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम 1, ठीक है? सो देयरफॉर area 1 = area 2 = 9:25, ये आपको ढूंढना था। सो आंसर में आप लास्ट में लिखोगे द रेशियो ऑफ द एरियाज of two similar triangles is 9:25, ठीक है? होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस सम। लेट्स गो टू सेकेंड क्वेश्चन ना। नो व्हाट इज गिवन इन सेकेंड क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड AB = PQ = 2:R. Then you have to fill in the blanks. Fill in the blanks. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR किसको इक्वल होगा? AB² upon PQ² को, ठीक है? ये आपको बॉक्स फिल करना है। इट्स इक्वल टू 2² upon 3² व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ गो टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 125। देन अगेन यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक, देन फिल इन द ब्लैंक्स।
सो क्या दिया है आपने सब्स्टिट्यूट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डैश दिया है, यहाँ आएगा ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 80 अपॉन 125, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू किसकी किसको इक्वल आएंगे, ए बी अपॉन पी क्यू देन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वॉट 4/5, अब 4/5 कैसे आएगा, एज यू नो अभी इसका आंसर कैसे आता है वो आप देख लीजिए, सिमिलर ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसको इक्वल है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर को, हाँ ये हो गया 80/125, इसको आप कट कर दीजिए 5 से, 5 1 5 ओके 5 6 30 अगेन 5 1 5 5 2 10 5 5 क्या मिला आपको 16/25, अभी ये स्क्वायर वहाँ चला जाएगा इट बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 और 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 और 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, तो इस तरीके से आपको यहाँ आंसर 4/5 आता है, तो ये आपका थर्ड सम है, डायरेक्टली ये डायरेक्ट करना है आपको तो ये आपके वर्किंग्स में आएगा, इस मच इज क्लियर। नाउ गो टू फोर्थ क्वेश्चन, ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इफ क्यू आर इज इक्वल टू 20 देन फाइंड एम एन, आपको क्या ढूंढना है एम एन, सो एज इट इज गिवन क्या दिया है, ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर को, ये आपको दिया हुआ है ठीक है, 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसको इक्वल है 16 एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन ठीक है, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसको इक्वल हो गया, 9 पी से मल्टीप्लाई 9 ऊपर आएगा ये 16 नीचे आएगा, दिस मच इज क्लियर, सो इसको आप 1 दे दीजिए, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसको इक्वल होता है एम एन स्क्वायर, आपको एम एन ढूंढना है ना इसके लिए हम एम एन स्क्वायर ले रहे हैं अपॉन क्यू आर स्क्वायर, हियर रीजन इट विल बी थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ठीक है, इतना पार्ट क्लियर, सो देयरफॉर 9/16 इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, अब ये स्क्वायर वहाँ चला गया देयरफॉर एम एन अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/16, वॉट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 एंड 16 का क्या है 4, तो आंसर क्या मिल गया 4, बट तेरी मम्मी का फोन आ गया ये गया वीडियो, सो सिंस वॉट इज गिवन क्यू आर इज इक्वल टू 20 गिवन, हमको क्या मिला एम एन अपॉन क्यू आर इक्वल टू 3/4 ठीक है, यहाँ कर रही हूँ देयरफॉर एम एन अपॉन 20 इज इक्वल टू 3/4 देयरफॉर एम एन इक्वल 20 × 3/4 4 5 20 देयरफॉर एम एन क्या मिल गया आपको 5 ओके सॉरी 15 5 3 15 तो एम एन इज 15 राइट डाउन इन आंसर एम एन इक्वल 15 ठीक है, इतना समझ में आ गया, नाउ लेट्स गो टू फिफ्थ सम, आफ्टर डूइंग फिफ्थ सम विल स्टॉप, व्हाट इज गिवन इन फिफ्थ सम, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट हैज बीन गिवन दो स्क्वायर आपको एरिया दिया गया है, इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द
corresponding sides of bigger triangle. Smaller triangle का side दिया, आपको क्या ढूंढना है? Bigger triangle का side ढूंढना है. So let's start. Now we'll write, let the areas of two similar triangles be A1 and A2 respectively. Let their respective corresponding sides be S1 and S2. सो आपको एरिया वन क्या है, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है. एरिया टू इज इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. हाँ, एंड S2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ये आपको दिया हुआ है. सो क्या बोला है, द टू ट्रायंगल्स आर, सो व्हाट इज गिवन, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. फाइन, सो देयरफॉर एरिया वन अपॉन एरिया टू इक्वल साइड वन स्क्वायर अपॉन साइड टू स्क्वायर. रीजन आएगा बाय थियरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. फाइन, इतना पार्ट लिए तो क्या दिया है, 225 अपॉन 81 इक्वल साइड वन स्क्वायर आपको नहीं दिया है, साइड टू क्या दिया है आपको 12 का स्क्वायर. दिस मच इज क्लियर. देयरफॉर साइड वन स्क्वायर इक्वल 225 इंटू 12 स्क्वायर अपॉन 81. अब इसको कट करेंगे हम लोग. कट क्या करेंगे, ये स्क्वायर वहाँ जाएगा, साइड वन स्क्वायर रूट हो जाएगा. देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 225 इंटू 12 स्क्वायर अपॉन 81. तो 225 किसका स्क्वायर है, 15 का. 12 में से एक 12 चला गया, अपॉन 12 बना. 81 क्या है, 9. इस तरीके से आपको आंसर आया. अब ये कट करेंगे, 3 3 9, 3 5 15 एंड 3 4 12. तो देयरफॉर साइड वन इक्वल 5 4, दैट इज 20 सेंटीमीटर. सो आपको आंसर क्या मिल गया है, 20 सेंटीमीटर. तो आंसर में लिखेंगे, द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ bigger triangle is equal to 20 centimeter. So this way आपका fifth question भी complete हो गया. बाकी जो है कल 6th and 7th हम कल complete करेंगे and we'll do problem set. And sorry for the background sound, बहुत आवाज़ है आज, sorry for that. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Take care. Bye.